कहते हैं पॉलिटिक्स में इतना इमोशन चलता नहीं है पर बाबुल को अपनी पॉलिटिक्स पे हावी होने दिया था मैं इमोशनल आदमी हूं और मैं इमोशन से ही काम करता हूं जैसे दादा बोल रहे थे मुझे लगता है कि अभिजीत दा ने इतने गाने गाए हैं इतने अपने समय में म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने सिंगर्स के लिए लॉयल होते थे अगर आप अच्छा गाना गाए तो अगले पिक्चर में भी आपका गाना कन्फर्म होता था उसके बाद वाले पिक्चर में भी उनका गाना कन्फर्म होता था शानुदा के साथ अभिजीत दा के साथ उदित नारायण जी के साथ ये चीज़ हुआ है अलका जी के साथ हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ है हम तुम के बाद मैंने इतने खूबसूरत सब गाने गाए लेकिन उस वक्त हिमेशमिया जी की एंट्री हो गई बहुत खूबसूरत गाते थे वो झलक दिखला जा लोग वो झलक देखने लगे चालीस पचास करोड़ लाख रुपये उनका ये हो गया तो मुझे ज़िंदगी का हर पाँच साल जीना है मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है मैं अगर सत्तर साल जीऊं तो सत्तर साल को मैं चौदह हिस्से में बांट लूंगा पांच पांच साल करके और मेरा जो जैसे है लास्ट जो दस साल है फाइव इंटू टू उसमें मैं दुनिया का बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ मेरी दो बेटियां हैं तो मैं बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ तो जिंदगी का हर पांच साल को मैं इंतजार कर मैं हाँ ली है। तो यहाँ पे जो सिंगर सभी गा रहे हैं भले वो अच्छे सिंगर हो बुरे सिंगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंसान सोचता था कि आसमान में प्लेन जा रहा है पंछी सॉरी आसमान में पंछी उड़ रहे हैं कितनी आराम की बात है फिर इंसान ने सोचा कि हमको भी उड़ना है अभी उन्होंने प्लेन बना लिया प्लेन के धक्के से पंछी मर जाते हैं तो मेलेडाइन ऑटोट्यून ये सब सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसके जरिए लोग गाने गा रहे हैं जो जिसको सुन के मेरी बेटियां नाचती है तो मैं कौन होता हूँ उनको पूरा करने वाले मैं आपको वो बुरा नहीं है नहीं जो समय में जो जिस समय में जिनको जो चाहिए अभी आप यहाँ पे हमारे रोमांटिक गाने चला दीजिए सब खाना खाने चले जाएंगे पूछिए इनको और अभी उसी की जगह में मीका सिंह का पांच डांस का गाना चला दीजिए थोड़ा सा डांस करके भूख बना के फिर ज्यादा खाना के लिए जाएंगे नहीं, ये हकीकत है, है तो मेरा कोई नहीं मैं मैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ नॉट नॉट टू पर्सनली टू यू आप डाइट पे है मुझे ऐसे दिख रहा है हाँ तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस समय में जिस डिकेट में जिस डिकेट में जिस चीज का जिस चीज जो चीज़ चल रहा है उसको आप जो है ओपनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड ही समझेंगे कोई जरूरत नहीं है आप सुनिए ना अभी मेरे मोबाइल में हनी सिंह का भी गाना है मेरे मोबाइल में बादशाह का भी गाना है मेरे मोबाइल में हसन जहांगीर का भी गाना है हवा हवा कितना सुपर हिट हुआ था हमें मालूम है वो बेसुरा सिंगर है लेकिन आज के तारीख में रहेंगे तो उस वक्त हवा हवा सुन के कान में जितनी तकलीफ होती थी आज नहीं होगा क्योंकि उनको बिल्कुल सुर में डाल के वो गाना लोगों के सामने पेश किया जाएगा ठीक है टेक्नोलॉजी अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उसे एक्सेप्ट करिए और अपना पांच साल से रिचर्ड ब्रांसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है यू हैव टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सेस ठीक है तो उसके लिए आप आपको अपना एसेंस अपना इमोशन को सब दरकिनार करके फेंकना नहीं है मैं उत्पटांग गाने नहीं गाऊंगा मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही गाऊंगा लेकिन जो उत्पटांग गाने गा रहे हैं और जो हिट हो रहे है, उसको मैं बिना बात के क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ये मेरा लुकआउट है अब अच्छा लगेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है लाइक फोटो का फिल्टर मतलब कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर लाइट के प्ले के साथ एक पिक्चर खींच रहा हो आप अपने वो करना ठीक नहीं है आप आगे बढ़ो समय के साथ साथ अब चलते रहो अब रेशमिया के लिए हमने कितने अच्छे गाने गाए लड़की नहीं जिंदगी है मेरी मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी 152 मिलियन का कुछ हिट्स है लेकिन उसके बाद से ही वो हिमेश रेशमिया के अपने गाने हिट होने लगे अब वो उनका लक है वो गाने लगे फिर हीरो भी बन गए बहुत अच्छी बात है हु एम आई टू क्रिटिसाइज आई विल नॉट हाजी फ्लॉप भी हो गए वो कह रहे हैं दादा वही तो मैं बोला पांच साल के हिस्से में आप बांट लीजिए ना जिंदगी को पाँच साल में आप सक्सेसफुल रहेंगे फिर पाँच साल आपका बुरा भी जा सकता है आप सीढ़ी से चढ़ते वक्त लोगों को सलाम करते जाइए जब पाँच साल आपका बुरा जाएगा तब भी लोही लोग आपको सलाम करेंगे मैं मैं इमोशनल आदमी हूं और मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ मुझे नाच चिल्लम चिल्ली करना है और आप जहां से क्वेश्चन करना चाहते मुझे मालूम है वो आने ही वाला है बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम आ इमोशनल पर्सन और मैं अपनी इमोशंस को बहुत प्यार करता हूँ आई एम इन लव विद माई सेल्फ आई थिंक दैट इफ आई कैन लव माई सेल्फ आई कैन लव अदर्स इफ आई एम इरीटेटेड विद माई सेल्फ एम नॉट हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग मैं जो कर रहा हूँ उससे अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो बाकी लोगों को भी मैं खुशी नहीं दे सकता हूँ तो uh, बस सिंपल सी बात है म्यूजिक मेरा पैशन है पॉलिटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ऐसे देखता हूं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कुछ लोग मेरे से गाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दादा ये गाना गाइए वो गाना गाइए कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से है जो मुझे बोल सकते हैं कि हमारा सड़क बहुत खराब है हमारे वहाँ पे कैंसर के पेशेंट है उसके लिए आप एक लेटर बना के दीजिए इनके लिए सड़क हमको जल्दी से बना दीजिए तो ये एक तरफ से गाने का रिक्वेस्ट आता है एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिक्वेस्ट आता है मेरे लिए दोनों सेम है दोनों सेम है अगर मैं ये पॉलिटिक्स के शो में आया होता तो मैं प्रीपेड कार्ड हूँ प्रीपेड कार्ड हूँ ये पहले मुझे वोट देकर जिता देते हैं उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ अगर ये म्यूजिकल प्रोग्राम होता तो ये भी पहले से आए हुए होते ये सोच के कि अभी मैं जो है उनको अच्छे गाने सुना के कुछ करूंगा तो बोथ ऑफ तो सेम आप ज्यादा दिमाग में उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उसके लिए वो अगर पॉलिटिक्स ले आएंगे तो भी सोच के बैठ सकते हैं कि ये मुझे अच्छे गाने सुनाएंगे हाँ बिल्कुल मैं तो बाई वन गेट वन फ्री हूं जो लोग मुझे गाने के लिए आप अगर मुझे गाने के लिए बुलाते तो यहाँ पे एक लैम्प होता आप उस वो मुझसे जलवा देते क्योंकि मिनिस्टर की शायद जरूरत पड़ती है लैम्प जलाने के लिए बचपन से देखते आ रहा हूँ तो लैंप भी मेरे से जलवा लेते फिर मैं गाना भी गाता और जो मुझे लैंप जलाने के लिए बुलाते हैं वो बोलते हैं एक दो गाना भी सुना दीजिए तो बाय वन गेट वन फ्री हूं अब मैं बड़ा तेल की शीशी के साथ छोटा साबुन हूँ या बड़ा साबुन के साथ छोटा तेल की शीशी हो ये मुझे मालूम नहीं